बस बर्फ लेने जा रहे हाँ तेरे चारों तरफ लगाने के लिए अपने ग्लास के लिए मिलती नहीं है मेरे चारों तरफ लगाओगे अशमीन पुत्र है अशमीन पुत्र है जी अब्बा जी पुत्र वो कल मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें डॉक्टर पैदल चलने के नुकसान बता रहा था लो सुन लो बात दुनिया का हर डॉक्टर पैदल चलने के लिए कहता है ये आपने कौन सा पुठा डॉक्टर लब लिया है अपना सुसर साहब जो आपको पैदल चलने से रोक रहा है वैसे बाजी पैदल चलने के फायदे सुने थे ये नुकसान कौन सा है नुकसान नंबर एक भी इंसान ने अच्छा खाना खाया हो करेले गोश्त खाए हो पैदल चले फौरन हजम दोबारा भूख लग जाती अपने पल्ले से खाया हो ना फिर भूख नहीं लगती मुँह बच्चा अच्छा अच्छा लड़ने की जरूरत नहीं है अब्बा जी ये तो हो गया एक नुकसान ये दूसरा नुकसान कौन सा है नुकसान नंबर दो ये एक जूता जिसने 4 साल चलना होता है पैदल चले 2 महीने में भौंक जाता है यानी टूट जाता है तो नुकसान तो उसका होना है जिसने जूता लेकर देना है नया बाजी ये नुकसान डॉक्टर बता रहे बड़ी अजीब सी बात है तुमने अपने बाप से सीधी बात की तवक्को रखी है ये भी अजीब बात है शमीन पुत्र अब मैं से और ज्यादा बिस्ती बर्दाश्त नहीं होती ये भी डॉक्टर ने बताया होगा गलत बताया ना क्योंकि बर्दाश्त तो बहुत है आपने आप अब्बा जी से बात करते वक्त कम से कम उनकी उम्र ही देख लिया करें मैं इनकी तरफ देख के बात करता हूँ मैंने कब आंखें बंद करके इनकी बात की मौला जानता है अगर मुझे मालूम होता ना कि तू इस कदर पौंडा बचा है तो मैं इसे तुम्हारे निकाह में कभी ना देता और निकाह में ये भी नहीं लिखा था कि जी इसमें साथ आप भी आएंगे बस बस अगर अब आपने मजीद बेइज्जती की ना मेरे अब्बा जी की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी ना पुत्र ऐसा मुंह से कभी लफ्ज भी नहीं निकालना तू बाजो गाजो से ब्याह किस घर में आई है तू ब्याह किस घर में आई है अब इसका जनाजा निकलेगा तो तू मेरे घर में जाएगी शाबाश लोग बेटियों को कहते हैं कि बेटा यहाँ से मर के ही निकलना और ये कह रहे कि इसको मार कर निकलना देखो मतलब की बात फौरन समझ लेता है और पैदल चलने के नुकसान में इसलिए बता रहा था कि मेरे पास बस का किराया नहीं है नुकसान ना बताए होते ना तो मैं आपको किराया देके खुद पैदल चला जाता लेकिन अब नुकसान का पता चल